टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त तमाशा चल रहा है। सीरियल में अनुज और अनुपमा आध्या के लिए तड़प रहे हैं। अनुपमा एक एक कदम के जरिए आध्या के पास पहुंच रही है और आध्या भी अहमदाबाद आ गई। हाल ही में देखने को मिला था कि अनुज अनुपमा के लिए ऑटो ड्राइवर बनता है और तभी वो एक बार में कार में वो आध्या को देख लेता है। और इस बार अनुज और अनुपमा अपनी लाडली बेटी के लिए कान्हा जी के मंदिर जाते हैं। दोनों ही कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में अनुज और अनुपमा का सामना आध्या से हो जाता है। लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और अनुज राधा कृष्ण के मंदिर में होते हैं और वहां पर आध्या भी अपनी नई माँ के साथ आती है। अनुज और अनुपमा को आध्या का एहसास होता है और फिर दोनों पीछे आध्या को जाते हुए देख भी लेती है। इस दौरान दोनों ही तड़प जाते हैं और वो अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन आध्या सुनती नहीं है और अपनी कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ मीनू और पाखी घर पहुंच जाते हैं। तभी पाखी भी आ जाती है और वो तमाशा कर देती है। वो वनराज के सामने बताती है कि कैसे मीनू और पाखी ने उसे मॉल की पार्किंग में छोड़ दिया था, जिसके बाद दिखाया जाता है कि आध्या प्रिया बन जाती है और उसकी नई माँ साइको होती है। आगे दिखाया जाएगा कि आध्या की नई माँ उस पर टॉर्चर करती है, उसे ज़बरदस्ती अपनी पसंद के कपड़े पहनाती है, लेकिन जैसे ही आध्या बाहर जाने की जिद करती है वो उस पर हमला कर देती है और मारने की धमकी देती है। तब तक उसे महिला का पति आकर आध्या को बजाता है। दूसरी तरफ आशा भवन से हंसमुख वापस आ जाता है और अनुपमा उसे आध्या के बारे में बताती है। साथ ही उसके मन में सवाल उठते हैं कि उसकी बेटी अब कहाँ है। इसके बाद हंसमुख और लीला का रोमांस दिखाया जाता है। आगे दिखाया जाएगा कि आध्या को घर पर अनुपमा के हाथ का खाना मिलता है।